सूरज उग गया भाई, सूरज उग गया। पहाड़ों को देख रहे हो? अपने साथ एनर्जी ड्रिंक हमेशा रखना। और वेलकम जी, आप सबका स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। तो अभी का सीन ये है कि हम बेंगलोर टू हैदराबाद निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम उडुपी के वहाँ रुके थे, लेकिन वो उडुपी अभी अभी खुला है तो ब्रेकफास्ट तो नहीं मिला, तो हमने स्नीकर्स खा लिया। और जिस रेट से हम चल रहे हैं, हमें लगता है कि हम काफ़ी सही चल रहे हैं, तो इसलिए अब हमारा ब्रेकफास्ट होगा अनंतपुर में। तो बस बढ़िया, यही है अभी का अपडेट। हम सुबह के 5 समथिंग को निकले थे और अब 6 समथिंग हो गया है, तो उजाला हो गया है अपना। ठीक है, चलो। जैसे मालूम चला ना कि भाई हैदराबाद अब शिफ्ट होना है, नौकरी वहाँ लगी है, दिमाग में सबसे पहला थॉट आया भाई यहाँ तो मैं बाइक चला के जाएगा। बहुत दिनों से मन था कि 500-600 किलोमीटर वाला कुछ राइड हो जाए, तो हमने बोला चलो भाई 2 दिन की ट्रिप ऊटी की तरह दोबारा से, जैसे ऊटी में नहीं था। ऊटी का तो डिस्टेंस तब भी कम था यार, 300-400 किलोमीटर के रफ लिए वो बेंगलोर से, तो ऊटी को भी हमने 2 दिन में तोड़ा था। बेंगलोर टू मैसूर, मैसूर टू ऊटी, अब बेंगलोर टू हैदराबाद थोड़ा ज़्यादा है तो उसको भी 2 दिन में तोड़ दिया, लेकिन इस बार किलोमीटर्स ज़्यादा है, तो बोले चलो बढ़िया मज़ा आएगा। नंदी हिल किसी को देखना है तो यहाँ से अंदर घुस जाए, ठीक है। हैदराबाद आगे है, चिकाबलापुरा भी आगे है, जहाँ पे वो शिवजी वाला बड़ा सा स्टैचू नहीं है, जहाँ पे थोड़े दिन पहले गया था मैं। सूरज उग गया भाई, सूरज उग गया, सही लग रहा है ना। जैसे जैसे आगे आगे ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे बसेरा कम है, जंगल पेड़ ये पौधे ये सब थोड़े ज़्यादा हैं, तो ठंडी पड़ रही है। जब बेंगलोर से निकला था सुबह 5:30 को, तब इतनी ठंड नहीं थी जितना यहाँ ठंड लग रही है मेरे को हाथों और छाती में, लेकिन कोई नहीं चल जाएगा। बहुत सही लग रहा भाई, बहुत सही लग रहा है। बहुत दिनों के बाद मतलब ऐसे सूरज को उगते हुए देखा, मज़ा आ गया। हैदराबाद 490 किलोमीटर। ये भैया मेरा चाय, तेरा चाय पी ले भाई। सुबह जल्दी जगा था ना, 4 बजे से आसपास है, उससे थोड़ा पहले, तो बाइक चलाते हुए नींद आने लग गई। हाँ, झपके मार रहा था हल्का हल्का, ऐसे मत बोल, मैं आ रहा था, सच बता रहा हूँ। तो चाय भी मैं और मंगा, तो मैं 4-5 मेरे दिमाग में था 150 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कहीं भी रोक दूंगा, हो ही गया। अभी हम लोग कहाँ रुके भाई? पेनुकोंडा। सही से रेस्टोरेंट मिल गया, वॉशरूम वहाँ था अच्छा, लेडीज का भी जेंट्स का भी, और खाना पीना भी बढ़िया, बड़ा बड़ा डोसा दिया। नींद भगाओ भाई, तुम भी भगाओ, मेरे को तो नहीं आ रही, पीछे बैठने वाले को नहीं आ रही। मैं चला लूंगी। अब और नींद नहीं आएगी, तेरे को बताया ना मैंने, मेरे को नींद आई। मैं जगा दे रहा हूँ। एग्जैक्ट नींद नहीं बोल सकते, जमाई नहीं आती, वो अलग सीन हो रहा था, इसलिए सोचा कि चाय पी लो। नहीं भाई, वो आया तो रुक जाना, ठीक है। 3 चाय मैंने पिया, 2 चाय उसने पिया। ए, चाय खत्म करना अपना। 195 के बिल में 75 तो बस चाय का ही है। वाले भैया है ना, वो एक बार तो वहाँ खड़े होके बोलते भैया और चाय चाहिए, मैं बोला नहीं, तो बिल बना दिया उन्होंने। क्यों? और मैडम के हिसाब से हम लोग थे तेलंगाना में, लेकिन ये आंध्र है। तो मैप गलत बोला था, कोई दिक्कत नहीं, मैप गलत बोला था, बाकी सब ठीक है, मैप गलत था। गूगल को पता ही नहीं है, गधा है गूगल। क्यों? अब जाके नींद थोड़ा भागा, अभी जाऊँगा बाहर थोड़े देर, नहीं और एक, अब जाके बाहर थोड़ी देर खड़ा होना, उसके बाद दिमाग को शांत करो बढ़िया से। चलो भैया चाय वाई पी के नाश्ता वाश्ता करके थोड़ा मन को आराम मिला, नींद वींद थोड़ा भागा, अब चलते हैं आगे। ओहो,
तो अभी हमने टोटल अराउंड 160 किलोमीटर कवर कर लिया 1.5 घंटे में। 8 घंटे का हमने अच्छा खासा रेस्ट लिया। ये है पेनुकोंडा फोर्ट, जाना है तो जा सकते हो। अब हम आज नहीं जा रहे, हम कभी और जाएंगे। भाई जान चाय पिया, 3 नींद को भगाया दबा के मैंने। भाई साहब आँख झपकी लग रही थी, हल्की हल्की कंट्रोल कर रहा था मैं, लेकिन लास्ट में नहीं हुआ तो चाय पीना ही पड़ गया। रुक के ट्रैवल कर रहे हो अपने हिसाब में करो, लेकिन भाई नींद वींद आए तो रुक के चाय पियो या रेडबुल पियो, पानी पियो, कुछ खाना खा लो, रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटा एक घंटा नहीं तो फिर वो आधे घंटे में भी जो खींचोगे उसमें फटी फटी में चलाओगे कि कुछ हो गया कुछ नहीं हुआ। इससे अच्छा आधे घंटे रोको, बढ़िया रेस्ट करो, फिर उसके बाद एकदम फुल एनर्जी के साथ फिर दबाओ। वही और क्या। धूप अब निकल आया बढ़िया से तो ठंडी नहीं लग रही, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि 1-1.5 घंटे के बाद गर्मी जरूर लगेगी, तो खींचना है थोड़ा सा, तो खींचते हैं और क्या। नम्रता नम्रता, वो नम्रता वो देख विंडमिल दिख रहा है, दिखा पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो दूर पर 4 विंडमिल दिख रहे हैं मेरे को। अगर उसके पास पास गया ना बाइक तो दिखाऊंगा जरूर, ठीक है। अभी दूर से दिख रहा है मेरे को विंडमिल 4। ओहो जिंदगी में मैंने पहली बार दिखाया विंडमिल, दूर से भी नहीं देखा था मैंने, बस यूट्यूब वीडियोस। ये ट्रैवल करने का यही मजा है, कुछ ना कुछ तो नया दिखता ही दिखता है। कैसे चला रहा है कोई तो तेज करे, कोई तो आगे जाओ, मेरे को तो आगे जाने दो। अरे ये तो आपस में भिड़ रहे हैं भाई, क्या है आपस में भिड़ रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं कुछ नहीं। अरे ये देख विंडमिल, ओहो मैं वहां का देख रहा था, यहाँ का तो दिखा ही नहीं मेरे को, पूरा एरिया विंडमिल वाला है, वहां तक पूरा विंडमिल हुआ। आनंदपुर है बस 4 किलोमीटर, चलो बढ़िया है। सुबह के बज चुके हैं 4:30, हाँ 4:30। इससे क्या मालूम चलता है बच्चों हमें कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो नींद पूरी लीजिए, क्योंकि नींद का हम शिकार बन चुके हैं। सुबह के बज चुके हैं 9:30 और हमने ट्रैवल कर लिया अब तक ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर, वेरी गुड। अभी मेरे नज़रों में बस अभी मैं बस एक ही चीज ढूंढ, अरे रे क्या गया वो, सही है। अभी मैं बस एक ही चीज ढूंढ रहा हूँ, रेड बुल। हल्की हल्की नींद अभी भी आ रही है, जब जब नींद आ रही है तो रोक दे रहा हूँ तो काम हो जाता है, लेकिन रेड बुल लेके रख लूँगा एनर्जी ड्रिंक के तौर पे। हैदराबाद कुरनूल गुटी, तो अनंतपुर हम क्रॉस कर लिए। अनंतपुर एक्चुअली में ऊपर ऊपर फ्लाईओवर से हम निकल लिए, अंदर अंदर से निकालने पे फिर अटक जाते हैं, कुछ दिक्कत हो जाती है, तो ऊपर ऊपर से ही। अब कुरनूल के लिए हमको रफली 140 किलोमीटर ट्रैवल करना है, सही है। सुबह जब निकले थे 365, अब बस 140, तो हम लोग रफली 12 बजे के पहले पहले पहुंच जाएंगे, सही है ना। चलो भैया टंकी फुल कर दिया जाए, रिस्क नहीं लेना अपने को। हेलो कैमरा कैमरा को देख के खुश हो गए वो तो, चलो बढ़िया है।
चलो भैया पेट्रोल वेट्रोल भरवा लिया। हाँ सुबह से चाय कॉफी पिए जा रहे हैं। अपनी बाइक को तो पूछा ही नहीं कि ये क्या है, कि फुल टैंक कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं। ओहो ये भैया को क्या दिक्कत हो गई, एवेंजर में सारा लाद के जा रहे हैं, लगता है हवा खाने रुके। कोई बात नहीं, खेत धान के गेहूं है, पता नहीं गेहूं है शायद, नहीं धान है शायद, धान 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 है ना, ये धान है ना, धान। हाँ तेरे को पता है धान कैसा दिखता है? पक्का? मेरे को तो गेहूं लग रहा है। मेरे को सुन के बोल रही है कि धान है। हाँ हाँ धान ही है। पहाड़ों को देख रहे हो, एकदम सूखा सूखा पहाड़ ना, टकलू। इस 300 किलोमीटर के पैच में जो हम लोग अभी चले हैं रफली, उसमें कितना सारा चीज़ देखने को मिल गया, मस्त ना। सोच अगर एक एक हज़ार दो दो हज़ार किलोमीटर ऐसे ट्रैवल करने को मिले, मतलब टुकड़ों में क्या कुछ देखने को नहीं मिलेगा, मज़ा ही आ जाएगा यार। घर से ना मम्मी और पापा कॉल करते हैं मेरे को, बोलते हैं कब निकल रहे हो, कितने बजे निकल रहे हो, इतना बात किया, थोड़ा सा बात किया, एक मिनट के बाद फिर नम्रता को फ़ोन दो। नम्रता को फ़ोन देने का उसको बोलना है स्लो स्लो चलाए, तेज तेज ना चलाए, 60 से ऊपर के स्पीड में ना चलाए, 40 भी चल सकता है लेकिन 80 तक तो नहीं, 80 मैक्सिमम। ऐसे ऐसे बातें चल रही हैं। मैं बोला रे रे रुको रे, लेकिन क्या करें, मम्मी जी पापा जी धूप में नहीं झुलसना है तो थोड़ा स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा ना, आप तो समझ रहे होंगे। तो जी हम लोग कुरनूल से 11 किलोमीटर दूर हैं, हैदराबाद से 221 और नागपुर से 706, तो कुछ इस प्रकार से चल रही है अपनी जर्नी। ठीक है, एक छोटी सी टिप मैं सबको दे देना चाहूँगा जो भी मोटो व्लॉग करने के मूड में है और लंबा लंबा खींचने के, अपने साथ एनर्जी ड्रिंक हमेशा रखना, माउंटेन ड्यू स्टिंग मॉन्स्टर कुछ कुछ, ठीक है, और खाने पीने का स्नीकर और ये क्या बोलते हैं उसको एनर्जी के लिए जो खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया मैं, प्रोटीन बार एनर्जी बार ऐसा कुछ कुछ, क्योंकि अभी रास्ते का जैसा एक्सपीरियंस है मेरा अब तक का और ऐसे अब तक का मोटो व्लॉग का एक्सपीरियंस, झपकी कभी भी आ सकती है, मतलब सुस्ता सकता है इंसान कभी भी, ठीक है, अंटिल अनलेस कुछ नया दिखे, कुछ ऐसा एक्टिव रहने, तो अगर स्ट्रेट रोड है तो फिर दिक्कत हो जाती है कभी कभी, इंसान सुस्ता जाता है, तो एनर्जी ड्रिंक बहुत हेल्प करता है। और कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेच में इंसान चलता जाता है फ्लाईओवर में तो दुकानें नहीं मिलती हैं, तो अगर बहुत भूख लगा तो एनर्जी बार या प्रोटीन बार बहुत मदद करता है, मतलब तो ये सब चीज़ रखना। ओके बस इतना ही, चल भाई चल चल चल, यो यो देख ले भाई, एमएसन कास्टिन देख लिया। यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि आप पहले ओयो में बुकिंग करोगे, फिर ये आएंगे यहाँ पे, फिर ये हाथ खड़ा कर देते कि हम ओयो में लिस्टेड नहीं हैं, हमसे ना हो पाएगा चचा, आप हमारे अलग से वेबसाइट पे जाओ, वहाँ बुकिंग करो। थोड़ा जल्दबाजी में हमारा थोड़ा शिफ्टिंग हुआ ना तो देख नहीं पाए हम, अब जब यहाँ आए तो इसने हाथ खड़ा कर दिया, फिर हम जब रिव्यू देखने बैठे तब पता लगा कि बहुत सारे लोगों का शायद ये कांड हुआ है, कुछ के पैसे डूबे हैं, कुछ के कुछ हुए हैं, कुछ के कुछ हुए हैं, तो जब भी बुकिंग करें रिव्यू ज़रूर देख लें, सेटिस्फाइड कस्टमर से ज़्यादा अच्छा रिव्यू अनसेटिस्फाइड कस्टमर का देखें, फ़ायदे में रखोगे, बेचारा अपना दुख बता के जाएगा वो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, क्यों सही है ना, एक्सपीरियंस। चलो चलो चल,
वो जाड़िया भैया को देख रहे हो ब्लू शर्ट में, वही है, वही हल्ला मचाता है। कहाँ लेफ्ट राइट सीधा कहाँ जाना है? वो जाड़िया भैया है, वही उंगली करने के लिए बैठता हूँ भैया। नहीं वो भैया अनलिस्टेड है भैया। मैं बोला ठीक है भैया, आपका होटल आप ही रखो, आप ही बैठ रहा, आप ही रेंट दे रहा, जा चिल मारो, कोई नहीं। चलो ठीक है फिर, ये वाला व्लॉग को यहाँ ख़त्म कर देते हैं। दूसरा होटल देखा है, अब हमने वहाँ जा रहे हैं, बुकिंग नहीं करा, रिव्यूज़ देख लिए, रिव्यूज़ अच्छे हैं, वहीं जाएंगे, वहीं बुक करेंगे, भले 500-600 रुपये ज़्यादा देना पड़े, लेकिन अब बुद्धू नहीं बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।